इस दुनिया में जो मर्जी कर लो ये दुनिया जज करेगी। अपने फेवरेट गानों पे ठुमके मारो, हंसेंगे लोग। अपने हिसाब से खाना खाओ, हंसेंगे लोग। अरे यहाँ तक कि अपने हिसाब से शादी करो, हंसेंगे लोग। क्या हालचाल दोस्तों, मैं रिव्यू रमेश और आज हम बात करेंगे ऐसी जजमेंटल लोगों के ऊपर बनी फिल्म जजमेंटल है क्या के बारे में। एक्चुअली फिल्म का नाम पहले सिर्फ मेंटल है क्या था, मगर कुछ लोग हो गए ऑफेंड। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। बस फिर क्या था, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, और इसके साथ ही फिल्म का नाम भी बदल दिया और रख दिया जजमेंटल है क्या। हम चेंज हो गए। स्टारिंग कंगना रनआउट। गंदा सोचते कैसे हो। राजकुमार, क्या बकवास कर रहे हो। सॉरी, राजकुमार राव। पिछले 20 सालों से फ्रेंड जोन क्लब के इकलौते प्रेसिडेंट जिमी शेरगिल, मेरे साथ ही होना था। एंड उषा उत्थुप। ट्रेलर की शुरुआत होती है क्राइम सीन से और क्राइम सीन के स्केच के आउटलाइन को देख के लगता है कि खून रणवीर सिंह का हुआ है भैया। पहली सस्पेक्ट है कंगना रनआउट उर्फ बॉबी। He's lying, officer. I did not kill his wife. और बॉबी की है सिर्फ तीन हॉबी, एक पानी वेस्ट करना, दूसरा मुंह से पानी के मोटर की आवाज निकालना, और तीसरा अपने पड़ोसी राजकुमार राव यानी कि केशव को पानी वेस्ट करते हुए देखना। केशव जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आटा गूंथने के नए नए तरीके निकालता है और रैंडम लड़कियों के साथ छुपन छुपाई खेलता है। दपा। और अब उषा उत्थुप कंफ्यूज्ड है कि खूनी असल में है कौन। यहाँ पर हो जाता है शुरू एक खूनी खेल और कंगना राजकुमार को वही कहती है जो हमारे ऋतिक भैया को वो दिन में तीन बार कहती है। I will expose you. Yeah, go, expose me. इसलिए ये रोल कंगना दीदी के लिए एकदम फिट है क्योंकि ये रियल लाइफ में भी लोगों को एक्सपोज करने की काफी शौकीन है। और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को एक्सपोज करती हूँ, आई थिंक वो खुद ही एक्सपोज होते रहते हैं। देखो मत बनाओ। अरे अंदर की खबर तो ये है कि ट्रेलर सबसे पहले ऋतिक ने देखा, तो ऋतिक कैसा लगा आपको ट्रेलर। I kept shaking it. पर फिर भी सवाल उठता है कि क्या राजकुमार राव लाइफ में कभी भी डांस सीख पाएंगे, क्या कंगना और राजकुमार राव कभी भी पानी बचा पाएंगे, क्या ऋतिक ये फिल्म देखने जाएंगे। I'm not interested. Why should I put myself into that? ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी आपको ये फिल्म, देख ही लेना भैया, क्योंकि अगर इतने सारे रीजंस के बाद भी आपको ये फिल्म देखने का मन नहीं किया तो फिर नॉर्मल नहीं हो तो। वैसे ये लोग कह रहे हैं कि फिल्म 26 जुलाई को रिलीज हो रही है, पर फिर खुद ही कह रहे हैं कि ट्रस्ट नो वन, तो भैया हम कैसे मान लें कि फिल्म 26 जुलाई को रिलीज करोगे। दिस इज रिव्यू रमेश साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे एक नए रिव्यू के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड।